मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब हमारे साथ है। बताया जा रहा है कि सुनीता वर्मा का टिकट कराने में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं से मैं खास बातचीत कर लेता हूं। अब क्या लग रहा है चुनाव का, देख रहे हैं कि सुनीता वर्मा मैदान में आ गई है? निश्चित रूप से जीत वाली प्रत्याशी है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला बिल लाई, कोई महिला प्रत्याशी है इनके पास? पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की महिलाओं की। अच्छा। और महिला प्रत्याशी देके जीत के शुरुआत करी हमने समाजवादी पार्टी के यहाँ से। यहाँ पहली प्रत्याशी ऐसी है पश्चिम उत्तर प्रदेश जो महिला है किसी भी पार्टी की, और हमने शुरुआत कर दी यहाँ से। ये सब दंग रह गए, क्या हुआ? ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है। अच्छा। हाँ, तो देखते रह गए कहाँ क्या हुआ। तो ये तो पहले तुरप का छोटा पत्ता फेंक रहे थे हम। अच्छा। अब तो लास्ट में छक्का मार के साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत की प्रत्याशी है। हाँ हाँ। कितना मजबूत चुनाव मान के चल रहे हैं ये आप समझ लीजिए, 25% में बीजेपी रहेगी और 75% में हम रहेंगे। अच्छा। सब वर्गों का वोट है हमारे पास, दलित मुस्लिम का गठजोड़ है। पिछली बार भी थोड़ी वोटों से हार गए, अब का कांग्रेस का भी साथ है हमारे साथ, और तमाम गरीब मजदूर, तमाम किसान, तमाम जो इस सरकार से परेशान है सब लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है। अतुल प्रधान की नाराजगी आपको नहीं लगता चुनाव पर? नाराज नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला आखिरी फैसला है, और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी कमर में कील ठोकने का काम करेगा। कुछ कहना चाहेंगे अतुल प्रधान से, आपको लगता है चुनाव प्रचार में? अरे क्यों नहीं आएंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो आएंगे सब। समाजवादी पार्टी में है तो आना क्या पड़ेगा, आने का मतलब है ही। और सुबह उनकी मुलाकात भी हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, पूरी रात वहीं रहे वो। तो समाजवादी पार्टी का आखिरी फैसला है, अखिलेश यादव के बाद कोई फैसला किसी का नहीं होता है। अच्छा, अखिलेश यादव की आपने जिक्र करा, मुझे बताइए कि कई सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ, पहले कैंडिडेट घोषित करना, फिर टिकट काटना, मेरठ में आप देख लीजिए भानु प्रताप, अतुल प्रधान और फिर सुनीता वर्मा, क्या है ये सब? एक पॉलिसी का हिस्सा था हमारी, भारतीय जनता पार्टी को कैसे चित किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हमने चित कर दिया महिला देख, इनके दिमाग में नहीं थी कि महिला भी आ सकती है कहीं से। तो ये समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा था, पॉलिसी थी, और अखिलेश यादव ने आखिरी बॉल पर छक्का मारा है और बीजेपी को आउट कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब निकाय चुनाव हुआ था तो मैंने देखा था कि आपको कभी मैंने नहीं देखा कि अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान चुनाव लड़ी थी, कि कैंपेन में आप गए हो, शायद मंजूर साहब भी मुझे नजर नहीं आए थे, योगेश वर्मा है पूर्व विधायक वो भी नजर नहीं आए थे, लेकिन देख रहा हूँ सुनीता वर्मा का नॉमिनेशन हुआ सब आप लोग एक साथ नजर आ गए। वो स्थानीय चुनाव होता ना, लोकल स्तर का होता, हम सब पार्षदों के लोग चुनाव में दिलचस्पी ले रहे थे सब, तो उस चुनाव में इसमें जो फर्क होता, हर चुनाव अलग अलग होता, विधानसभा अलग होता, लोकसभा अलग होता, नगर निगम अलग होता, तो ये चुनाव लोकसभा का जिसमें देश में सरकार बनाने की बात होती है, देश में सरकार गठबंधन की बन रही। तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की दो लॉबी हैं या कोई लॉबी नहीं? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव एक ही पार्टी है बस। हाँ। एक ही ग्रुप है, एक ही गुट है, अखिलेश यादव। अच्छा, एक और बताइए कि जैसे बीजेपी ने यहाँ पर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा, आपको नहीं लग रहा कि मजबूत कैंडिडेट है, कि हमने तो मेरठ में राम लिए आए हैं? अरे कलाकार का नाम बता देंगे, वो मजबूत कहाँ से होते हैं, मजबूत होता है जमीन से। हमें अर्श वाला नहीं चाहिए, फरस वाला चाहिए मेरठ की जनता को, और हमारी प्रत्याशी जमीन की है, एक एक मोहल्ले का पता, पहले मेयर रह चुकी है, तो इससे अच्छा प्रत्याशी क्या होगा, उन्हें बेचारे मोहल्ले को नहीं पता। और सीधा यहाँ का वोटर चाहता है कि सीधा प्रत्याशी से मिलूं, तो ये हमारी तो मेरठ की रहने वाली लोकल है, और वो रहेंगे बम्बई कलकत्ता, कौन मिलने जाएगा भाई उनसे, काम कौन कराने जाएगा वहाँ से, तो वो तो आउट हो गए। जिस दिन आए उस दिन ही समझ लो आधा चुनाव जब हार गए थे, और अब सुनीता वर्मा आ गई तो 75% चुनाव अब हार गए। मतलब बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली बात कह रहे हो? नहीं, निश्चित रूप से हार गए बीजेपी, परेशान है, क्या करें हम, उसे तो उंगली पकड़ के ले आना पड़ेगा भाई, जैसे चश्मा लगा लेते हैं आँख बनवाने के बाद उंगली पकड़ के ले जाता आदमी, ऐसे उंगली पकड़ के ले आना, उन्हें कोई क्षेत्र ही नहीं पता। सुनीता वर्मा को सारे क्षेत्रों के बारे में जानकारी है, तो आम जनता को सुनीता वर्मा जैसी प्रत्याशी चाहिए थी, और समाजवादी पार्टी ने वो दी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने वो दी है। हाँ। तो अब लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है, जबरदस्त कड़ा नहीं है, 75% हम, 25% में वो, तो बस हाथी, आपको नहीं लगता हाथी दिक्कत खड़ी करेगा रास्ते में? कोई नहीं करेगा, हाथी उन्हीं को दिक्कत करेगा, वही मारेगा उनका सूंड। हाँ, हमारी साइकिल है, निकल के साथ जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं पंचर हो जाए? नहीं, कोई पंचर होने के बाद ही पहिए तो रहेंगे, पहिए चले ही चलेंगे हमारे तो। अच्छा, पहिए चले, तो मतलब ये इस टिकट होने के बाद जो है आप खुश हैं कि भाई ये है? बिल्कुल, हर तरह से खुश हैं, और समाजवादी पार्टी जिताएगी, पहली बार समाजवादी पार्टी जीत के जा रही है मेरठ से। अच्छा, आपको इतना भरोसा है? पूरा विश्वास है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकटों की बात करें? देखिए, वो उसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन यहाँ के बारे में जीत के जा रही समाजवादी जीत के जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमनीश काजलामी, अमनीश जी, विधायक कह रहे हैं रफीक अंसारी के, अब तो कांग्रेस का भी हाथ मिल गया, हम तो बहुत मजबूत हो गए। बिल्कुल, साइकिल चलाने के लिए हाथ की तो जरूरत पड़ती है ना, अब तो पूरी तेजी के साथ दौड़ेगी साइकिल,
जब हाथ का साथ हो तो साइकिल को दौड़ने से कौन रोक सकता है। झाड़ू भी साथ है, झाड़ू भी साथ है, झाड़ू लगाते चलेंगे, गंदगी साफ करते चलेंगे। बिल्कुल। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कमजोर थोड़ी है, इस बार तो हम कैंडिडेट ऐसा लेके आ गए अरुण गोविल, कोई टिकेगा ही नहीं, इतना बड़ा चेहरा है। कोई घी पिला के थोड़ी लाए हैं, ये तो जनता वोट करेगी, और जनता ने तय कर लिया है पिछले 10 साल का जो कुशासन है, जो तानाशाही है, जो युवाओं के को छलने का काम किया, किसानों को छलने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, संविधान पे जो हमले कर रहे हैं उसको जनता बुरी तरीके से हराने का काम करेगी। अच्छा, मुकाबला नहीं है किसी से? मैं समझता हूँ कि मुकाबले से ही बाहर हो गई है बीजेपी, बाहरी प्रत्याशी और हमारे मजबूत प्रत्याशी के सामने कहीं नहीं टिकेगा। अच्छा, एक बात है, इन्होंने भी वही बात कही जो आपने कही, सुर में एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि बारी प्रत्याशी है हमारी तो यहाँ की। अच्छा, यहाँ किसी को अगर टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, क्या उसके पीछे के भाई, चूंकि आप दो बार से विधायक है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, खुद अपनी जो 3 बार के सांसद का टिकट काटना और लोकल के विधायक सांसद थे वो, तो इस बात से महसूस होता है इनके पास तो कोई प्रत्याशी भी नहीं है, बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं, तभी तो बाहर से लाए। अरे, इतना बड़ा जिला को बीजेपी के पास एक आदमी नहीं निकला ऐसे जो लोकल का लड़ जाए, अब ये भुगतेंगे खुद बीजेपी वाले। तो मजबूत है चुनाव? 100% मजबूत है, जीत रहे हैं हम 75% चुनाव, 25% में वो है, 75% में हम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब है, सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पर साइकिल बहुत स्पीड से दौड़ेगी, हम चुनाव जीतेंगे, और महिला कैंडिडेट उतारना यहाँ अखिलेश यादव की रणनीति का ही उसे हिस्सा बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।